देश के कई गांव इन दिनों कैंसर की चपेट में है। मालवा निमाड़ के इन गांवों में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अहम बात यह है कि कैंसर ऐसे लोगों में फैल रहा है जिनके परिवार में आज तक ना तो कोई इस बीमारी से पीड़ित हुआ है और ना ही वो तंबाकू का सेवन करते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब की तरह मध्य प्रदेश के इस इलाके में कीटनाशक और रासायनिक खादों के बेतहाशा इस्तेमाल से ये हालात पैदा हुए हैं। मदद नहीं मिली आज तक, घर वाले ही मदद नहीं करते, परिवार वाले ही नहीं करते, दूसरे तो ठीक है, कोई झांकने नहीं आता। मैं ये कहती हूँ कभी भी भगवान करे कोई कोई बीमारी ना हो। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के गांव हरसौला की रहने वाली कौशल्या बाई रीढ़ की हड्डी के कैंसर से जूझ रही हैं। अभी तक 8 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च कर चुकी कौशल्या बाई की इस बीमारी ने उनका घर बर्बाद कर दिया है। इसी गांव के किसान रमेश पाटीदार लंबे वक्त से मुंह के कैंसर से लड़ रहे हैं। 20 बीघा जमीन पर फसल उगाने के लिए इन्होंने खेत में जमकर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन बीमारी ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा। गांव में करीब 24 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये महामारी की तरह फैल रही है। कई परिवारों में इस बीमारी से हुई मौत का मातम आज भी महसूस किया जा सकता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग तंबाकू या धूम्रपान नहीं करते। नौजवान लड़के भी इसका शिकार बन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया भी कि क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों हुआ ये बीमारी, क्यों हुआ? कुछ नहीं बताया। हरसौला गांव में साल 2014 से अब तक 10 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल में बीते 2 सालों से मरीजों की संख्या में 17 से 20% का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के मालवा में हरसौला की तरह और भी कई गांव हैं, जहां कैंसर अब महामारी का रूप ले चुका है। ये बड़े खतरे की घंटी है। हरसौला में कैंसर की छाप लोगों के लिए फजीहत बन गई है। यहाँ के किसान जब शहरों में सब्जी और दूध लेकर जाते हैं तो लोग उनसे सब्जी और दूध नहीं खरीदते हैं।